आज का पेपर कैसा था? आज 8 अप्रैल का पेपर कैसा था? मॉडरेट हिंदी भी था और मतलब कह सकते हैं केमिस्ट्री सही थी, केमिस्ट्री सही थी, केमिस्ट्री अच्छा लगी और मैथ थोड़ी लेंथी थी, डिफिकल्ट नहीं कह सकते, लेंथी थी। ओके, डिफिकल्ट नहीं है, लेंथी है। हाँ लेंथी है। तो मतलब करने लायक है? हाँ करने लायक है। ओके, अगर आप जनवरी के सेशन से कंपेयर करें कि जनवरी सेशन से कंपेयर कैसा था पेपर? हाँ ऑलमोस्ट सेम था, सेम था, बस केमिस्ट्री थोड़ी केमिस्ट्री आई है थोड़ी पहले से थोड़ी सी हाई लेवल तक मॉडरेट कर। अच्छा थोड़ा उससे बेटर कर दिया, थोड़ा मॉडरेट कर दिया। पहले बहुत आसान आती थी एचआरडी लेवल पे। ओके ओके, और मैथ को कैसे पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से थोड़ा सा? मैथ को मेरे हिसाब से आपकी स्पीड होनी चाहिए मैथ में, क्योंकि 3 आवर्स का पेपर है और फिजिक्स केमिस्ट्री करने के बाद मैथ के लिए थोड़ा टाइम थोड़ा कम पड़ जाता है। तो और ये फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए थे? फिजिक्स में उसमें से तो सबसे आए थे जैसे मॉडर्न फिजिक्स, सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑलमोस्ट सभी से थे एक एक टॉपिक से। ज़्यादातर देखा जाए तो जो लास्ट के चैप्टर होते हैं ना सेमी कंडक्टर, कम्युनिकेशन और मॉडर्न फिजिक्स, इससे ज़्यादा है। और आपने कितना अटेंड किया? मैंने 50 क्वेश्चन अटेंड किया। 50 कर लिए? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? एक्सपेक्टिंग 160। बहुत बढ़िया, तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आने वाला आपका, तो उनका काफ़ी मतलब 160 से अबव पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जिस तरह से बोल रहे हो मेरे को लगता है कि वो ज़रूर मिलेगा। अब आप जो हमारे आने वाले बच्चे हैं यानी कि कल परसों जो एग्ज़ाम देंगे यानी कि 10, 11, 12 तक, उनके लिए आपका सजेशन क्या है, कैसे पढ़ाई करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ आप जो आने वाले पेपर के जो हैं उनको तो TVIQ जितना हो गया है उनको TVIQ एक बार देख लेनी चाहिए, 2023 के जो जैन के हैं और उनसे देख लेने चाहिए कितने हो रहे हैं। तो ये इनका सजेशन कि जनवरी सेशन में आपने जो भी क्वेश्चन आए थे हर पेपर के उसको आप कर लीजिए और उससे आप कंपेयर करके TVIQ बेस्ड आ रहा है सारा। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री तो देखा जाए तो TVIQ बेस्ड ही है सारा। वेरी गुड, ये सही से बहुत काम का हो सकता है आपके लिए। ओके, थैंक यू। ये इसमें क्या नाम था, क्या नाम है आपका? निखिल। निखिल, आज का पेपर यानी 8 अप्रैल का पेपर कैसा था? 8 अप्रैल मॉडरेट लेवल का, फिजिक्स थोड़ी सी टफ थी और केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ थोड़ा सा टफ था और फिजिक्स और केमिस्ट्री हमेशा इधर ईजी था। ओके, फिजिक्स और केमिस्ट्री ईजी था। और अच्छा, अगर आप अगर आप कंपेयर करें जनवरी सेशन से तो जनवरी सेशन के कंपेरेटिव भी कैसा था? मैथ्स थोड़ा सा मैं कहूँगा थोड़ा सा ज़्यादा था और फिजिक्स और केमिस्ट्री तो सेम लेवल पे था या थोड़ा कम ही। अच्छा, मतलब कि वो जनवरी सेशन में जो मैथ आया था डिफिकल्ट जो लोग बोलते थे उससे अभी थोड़ा हायर लेवल पे, मतलब 2020 के आसपास था, 2022 का जो पेपर था 2022 का उसके आसपास था। ओके ओके, 2022 के आसपास का था। और केमिस्ट्री और मैथ बोल रहे हो, केमिस्ट्री और फिजिक्स का सेम लेवल पे था। ओके, फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए थे? फिजिक्स से सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिजिक्स से 2 क्वेश्चन आए थे। न्यूक्लियर फिजिक्स 2 क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा अगर आप देखें तो मैकेनिक्स से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया, मैकेनिक्स से 1 क्वेश्चन आया था। और उसके अलावा आप सेमी कंडक्टर्स के लॉजिक गेट से 1 क्वेश्चन आया। ओके, लॉजिक गेट से क्वेश्चन आया था, काफ़ी मतलब वैरायटी से दिखता, रे ऑप्टिक्स से एक आया था, रे ऑप्टिक्स से आया था। और ज़्यादातर क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर कर रहा था। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा था। ईएमआई इलेवेंथ कॉमेटेज है, इलेवेंथ में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए थे? इलेवेंथ में जैसे मैंने बताया कि मुझे टाइम मोशन से बस एक क्वेश्चन था, पूरे मैकेनिक से वही लिखा था, कोई वर्क पावर नहीं, कोई कुछ नहीं। और उसके अलावा अगर बात की जाए ऑसिलेशन और वेव से, ऑसिलेशन और वेव से भी क्वेश्चन आया, थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आया एक ना। और ज़्यादातर 12th मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 12th से। ओके, जो बच्चे हमारे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं कल कल परसों या मतलब आप 12-13 तारीख एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हो, कैसे पढ़ाई करना चाहिए? मैथ्स ज़्यादा उनको फोकस फिजिक्स और केमिस्ट्री पे करना चाहिए अगर उन्होंने तैयारी नहीं की है तो। ओके, केमिस्ट्री वन शॉट देख लें आपके चैनल का, किसी दूसरे चैनल की, और या फिर NCERTs रीड कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, वो एटलीस्ट कट ऑफ पार कर लें। मैथ्स पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, मैथ पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं आपके अकॉर्डिंग। क्या नाम है आपका? आज 8 अप्रैल का एग्जाम कैसा गया? अच्छा था। और कौन से पेपर सबसे टफ था? मैथ टफ था। 8 अप्रैल का भी मैथ टफ था? नहीं, 8 का आज मैथ टफ था। ओके ओके, और इसमें NCERT से कितना पार आया था? केमिस्ट्री और फिजिक्स से। केमिस्ट्री और फिजिक्स में ज़्यादा आए थे। और फिजिक्स को कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए थे? फिजिक्स से आए हैं तो
अपने वो मिरर्स वाले से आए, मिरर से मिरर्स से आए ऑप्टिक्स, और फिर डी ब्रोगली रूल से आए, डी ब्रोगली, अच्छा डी ब्रोगली से मॉडर्न फिजिक्स से आया था, अच्छा और अच्छा और एलेवेंथ के किसी चैप्टर से आया हो? इलेवेंथ के तो अपने वही आए थे, अभी आने वाले मैच के लिए आप कैसे क्या बोलना चाहते हैं, कैसे पढ़ेंगे मैच के जो परसों तरसों जो एग्जाम देंगे, यानी कि 10-11-12 तारीख को जो अब तक 4 हो जाएंगे, आज तक 3 एग्जाम हुए हैं, उनको रिवाइज करो, उनसे अच्छा अच्छा जो पेपर अभी हो चुके हैं या अभी आज हो रहे हैं उनको भी सॉल्व करना है, उनको सॉल्व करें और उनकी जो टॉपिक रिपीट है वो ज़्यादा रिपीट हो रही है, ओके जो टॉपिक रिपीट हो रहा है उन्हीं को उन पर फोकस करके हम ज़्यादा कोशिश करें। इस पर आएगा क्या नाम है आपका? आज 8 तारीख का पेपर कैसा था? ठीक था। ओके कौन सा पेपर डिफिकल्ट था? मैथ। किस बार डिफिकल्ट आया था? 8 अप्रैल को भी डिफिकल्ट था। और सबसे इजी कौन सा था? केमिस्ट्री। और एनसीईआरटी से कितना पार्ट आया था? पूरा एनसीईआरटी से था। हाँ। कौन से सब्जेक्ट में? केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक। फिजिक्स में क्या कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आए थे? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक से आए थे। और पीएन जंक्शन सर, इसमें सेमी कंडक्टर से आए थे, मॉडर्न फिजिक्स से थे। और किसी चैप्टर से याद हो तो बताइए। सारे चैप्टर से इलेवन से ज़्यादा थे कि 12 से ज़्यादा थे? 12 का वेटेज थोड़ा ज़्यादा था। हाँ 12th में 11th में कौन कौन से चैप्टर से आए थे? फिफ्टी। अच्छा आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने टोटल क्वेश्चन आए थे सारे सभी सब्जेक्ट में कितना आपने कितने पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? टोटल मैंने 47 लगभग 47 किया है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्क्स? 150 के आसपास ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आने वाले बैच के लिए यानी कि जो परसों एग्जाम देंगे कल नेक्स्ट बैचेस में से उनके लिए क्या सही सिद्धांत चाहता है, कैसे पढ़ाई करना चाहिए 4-5 दिन में जो बच्चे एग्जाम देंगे? बस एग्जाम देने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट देने हैं। और क्या करना है? टी वाई क्यू करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं। ओके थैंक यू। ये इस पर आएगा आपके। आज 8 अप्रैल का पेपर कैसा था? 8 अप्रैल यानी आज का पेपर कैसा लगा? सही ठीक था, मतलब नॉर्मल लेवल जो होता है जेई के हिसाब से होता है ना, तो पढ़ने वाले से जेई के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, इसलिए तो कुछ हार्ड नहीं था। कुछ तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बाकी लोग कुछ कुछ डिफिकल्ट हो रहे हैं। मैथ कैसा था आज का? मैथ कैसा था? मैथ कुछ क्वेश्चन जो थे ट्रिकी थे, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल थे, मतलब बेस्ट लेवल बेस्ट थे, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं था कि हमारा एक्सट्रा लेवल है ज़्यादा लेवल है। ओके मतलब मैथ करने लायक था? करना हाँ कर, जिसको कॉन्सेप्ट बताए डीपली कर। और फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में क्या बोलेंगे? फिजिक्स थोड़ी हार्ड थी, मतलब न्यूमेरिकल पार्ट जो होता है ना, हाँ थोड़ी दिक्कत थी। एमसीक्यू ठीक था? केमिस्ट्री में सारी थ्योरी, केमिस्ट्री में सारी थ्योरी थी, थोड़ी बहुत छोटी सारी थ्योरी। ओके एनसीईआरटी से किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा आया था? केमिस्ट्री का आया था। और मैथ के भी आप अगर फॉर्मूला लोगे तो फिर वो भी एनसीईआरटी। ओके मतलब एनसीईआरटी का काफ़ी कुछ मैथ में भी आ गया था। ओके फिजिक्स में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आए थे आज? फिजिक्स में ज़्यादातर रे ऑप्टिक्स ही था क्वेश्चन जो थे ना, कहीं ना कहीं घूम के वो रे ऑप्टिक्स के उसके मैथ पे बेस। ओके ओके आपने कितना क्वेश्चन अटेंड किया? लगभग सब जिसमें उसमें 10 होते थे 5 करने होते हैं, उसमें 2-3 कर दिए, तो 20 वाले में से लगभग 14-15 कर दिए। तो सारे सब्जेक्ट को मिला के मैं पूछूं कि कितना आपने अटेंड किया? तो लगभग आप मान लो 70%
70% कर लिया है तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा मार्क्स आप लाओगे। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? वो तो अब अच्छा, जो बच्चे अभी हमारे एग्ज़ाम देने वाले हैं मतलब उन्नीस बीस मतलब सॉरी ये आपका 10-11-12 दिन का, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हो, कैसे पढ़ाई करना चाहते हो? पढ़ाई अगर नहीं चाहिए एक तरफ से उन्हें जो मतलब जैसे वन शॉट जो होते हैं ना टीचर के बढ़िया टीचर जो हो उसको भी आप मतलब पढ़ा सकते हो पढ़ सकते हो, थोड़े एन सी आर टी कॉन्सेप्ट बताओ थोड़ा बताओ मतलब किस लेवल का आता है, फ्री से क्वेश्चन लगा रखते हो तो वो आसान है। और तो नज़दीक से आज का पेपर कैसा था 8 अप्रैल का? आज पेपर इजी टू मॉडरेट था, तो कुछ क्वेश्चन जो फिजिक्स के थे वो थोड़े हार्ड थे, कभी थोड़ा ट्रिक लग रही थी लेकिन कौन सा चैप्टर से मतलब कौन सा सब्जेक्ट से डिफिकल्ट आया था? कौन सा सब्जेक्ट से ज़्यादा फिजिक्स ही आता है, फिजिक्स से ज़्यादा मैथ मैथ। अच्छा अगर आप जनवरी के जनवरी से कंपेयर करो अच्छा और एनसीईआरटी से क्या क्या आया था मतलब केमिस्ट्री का आया था और मैथ के 1-3 क्वेश्चन आए थे। ओके, फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए थे? फिजिक्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आया था और मॉडर्न फिजिक्स से आया था और किस चैप्टर से? और 11th में किसी चैप्टर से आया हुआ याद और अच्छा आपने कितना अटेम्प्ट किया? 35 अच्छा, जो आने वाले बैच के बच्चे हैं जैसे जो परसों एग्जाम के लिए 10-11-12 उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हो, कैसे पढ़ाई करना चाहिए? उनको ज़्यादातर एन सी आर टी चाहिए और फिजिक्स में थोड़ा ऊपर लेवल का आ सकता है, तो फिजिक्स और कुछ बोलना चाहते हो?